है वैष्णो टी स्टॉल पर, और यहाँ पर जो टी लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है तंदूरी चाय। वो कैसे बनती है वो अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं। ये कुछ मिट्टी के कूलर होते हैं जिनको पहले से इस भट्टी के अंदर रखा हुआ है, जो गर्म हो रहे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी का कूलर है इसको काफ़ी देर पहले रखा होगा आपने शायद, इसको आधे घंटे तक इस मिट्टी के कूलर को इसके अंदर पहले गर्म किया जाता है, पूरा लाल होता है। जब तक ये मिट्टी का कूलर पूरा इसके अंदर लाल नहीं हो जाए तब तक इसको गर्म किया जाता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर आप क्या मिला रहे हैं, मलाई, मलाई भी मिला रहे हैं। ये जो चाय होने वाली है ये तंदूर के साथ साथ मलाई वाली चाय भी होने वाली है। तो गिरधारी लाल जी हैं वैष्णव जो इसके अंदर अब मलाई भी मिला रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं इसका और क्या प्रोसेस होने वाला है। इसमें मलाई मिलाई, इसको मलाई को पूरी तरह से मिक्स किया जा रहा है, इसमें केसर, और साथ में इसके अंदर केसर भी डाला जा रहा है। तो टी लवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, जो चाय पीने के मेरे जैसे लोग शौकीन हैं, तो मलाई मलाई के साथ इन्होंने केसर भी डाला है। ये मलाई पीली हो गई, ये पूरा एकदम जो केसर इस मलाई के अंदर मिक्स हो गया है, और इसका जो कलर है वो भी पीला हो गया है। अब जो कूलर इसके अंदर रखा हुआ था वो बाहर निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं पूरा लाल हो चुका है आग के अंदर रह के। अब ये जो हमारी चाय बनने वाली है वो है तंदूरी चाय। अब देखते हैं इस कूलर के अंदर चाय को डाला जा रहा है, जो इस कूलर को गर्म किया गया था आधे घंटे अंदर, इसके अंदर पूरी चाय को डाला जा रहा है, यानी इस पूरी चाय को इस कूलर के अंदर डाल दिया और पूरे कूलर को चाय के अंदर इन्होंने घुमा दिया, इससे जो चाय का टेस्ट है बिल्कुल चेंज होता होगा। अब आप देख सकते हैं चाय का जो कलर है बिल्कुल ही अलग हो चुका है। ये देखो अंदर से वापस चाय बाहर आ गई, तो ये है हमारी स्पेशल तंदूरी चाय जो मेड़ता सिटी में केवल और केवल एक ही दुकान पर अवेलेबल है, जो वैष्णव टी स्टॉल है। डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस इस शॉप का डाला हुआ है। ये आप चाय को उबलते हुए देख सकते हैं, इससे जो चाय का टेस्ट है बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और वैसे मिट्टी के कूलर में चाय पीना अच्छा माना जाता है, जिस प्रकार से प्लास्टिक और कागज़ के कप में चाय वो पीना है नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जो मिट्टी का कप है उसमें चाय पीना अच्छा माना जाता है, और लोकल फॉर वोकल जैसी चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है। हम यही चाहते हैं लोकल फॉर वोकल जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिले, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। अब ये चाय है कूलर वाली चाय है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसको मिट्टी के कूलर में ही डाला जा रहा है। रख दीजिए अंदर चाय, नहीं चाय को टेस्ट करके देख लेते हैं कि चाय का टेस्ट कैसा है। अमेजिंग, जो टी लवर्स हैं मेरे जैसे लोग उनके लिए चाय बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी ऐसी चाय है मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं पी है, ऐसा ही चाय का टेस्ट है। और अपने इंडिया में तो वैसे ही सुबह आँख खुलने से पहले सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ है हम लोग लिक्विड के रूप में सबसे ज़्यादा लेते हैं, वो पानी के बाद उसका नंबर आता है चाय का। चाय एक ऐसी चीज़ है जो एक मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास लोअर क्लास तक के लोगों के लिए एक फेवरेट लिक्विड के रूप में चाय को है वो माना जाता है।
शॉप के जो ओनर है वैष्णव टी स्टॉल, वैसे शॉप है प्रिंस सिनेमा के पास है और डिस्क्रिप्शन में शॉप का जो एड्रेस है वो भी डाला हुआ है। ये हमारे साथ ही शॉप के ओनर गिरधारी लाल जी वैष्णव। तो गिरधारी लाल जी, आप ये जो अलग ही डिफरेंट प्रकार की जो तंदूरी चाय बनाते हैं, वैसे ये चाय मेहता में कहीं नहीं मिलती, केवल यहीं पर मिलती है। वैसे ये काम आप कब से कर रहे हैं तंदूरी चाय बनाने का? अब कितना टाइम हो गया चाय बनाते हुए? चाय का 7-8 साल से काम कर रहा हूँ मैं। वैसे इनको चाय बनाते हुए 7 से 8 साल हो गए, लेकिन ये जो डिफरेंट तंदूरी चाय, ये आपके दिमाग में कब से है? 2 साल से। 2 साल से ये जो तंदूरी चाय ये बनाने का जो आइडिया इनके दिमाग में 2 साल से है। वैसे ये आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कैसे? क्योंकि ऐसा तो मेरठ में कहीं पे नहीं होता, बाहर तो चलो हमने देखा होगा, लेकिन मोबाइल पे देखे। अच्छा, इन्होंने यूट्यूब पे ही देख के ये चीज़ सीखी है कि एक तंदूरी चाय भी बन सकती है क्या, और टी लवर्स जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं पहली बार इनकी शॉप पर आया हूँ, आज मैंने पहली बार चाय पी है, अब मुझे इनका टेस्ट चाय का इतना अच्छा लगा है कि मैं खुद आज से आपका रेगुलर कस्टमर है वो बन गया हूँ। यहाँ पर बैठे हुए कई कस्टमर से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि आपकी चाय बहुत अच्छी लगी। तो आप एक कुल मिला टी लवर्स के लिए का बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इनकी जो शॉप है वो प्रिंस सिनेमा के पास है जो स्टेशन रोड है, और डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का लिंक है वो डाला हुआ है, जो एड्रेस है वो। सर आपको कैसी लगती है तंदूरी चाय? ये सर गिरधारी लाल जी वैष्णव की चाय है। अच्छा, की चाय बहुत ही मस्त और स्वाद। हाँ, अभी आप बहुत दूर से आए होंगे यहाँ चाय पीने? दूर से, रोज चाय पीते हैं। अच्छा, आप रेगुलर कस्टमर हैं इनके? रेगुलर कस्टमर।